जयराम जी के भैया? जयराम जी भैया, जयराम जी भैया, मोगा प्रधान संस्था से आया हूँ। जी भैया, मेरा नाम पारसनाथ आर्मो है। जी हाँ, मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? जी हाँ, मेरा नाम श्यामनाथ चीचान है। अच्छा। मैं इसी गांव के ग्राम इंद्रा का हूँ। अच्छा। और बस मेरा यही काम है, खेती बाड़ी काम का। हाँ तो भैया, आप अभी खेत में क्या कर रहे हैं? हम 10 दिन पहले अभी रुपाई की थी श्री जी से, वही मैंने आज खेत देखने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ श्याम भैया, आपने जो श्री विधि से रोपाई की है, हाँ, उसमें ये जो पौधे लगाए हैं आपने, वो एक एक पौधे लगाए हैं और ऐसे लाइन से लगाए हैं और काफी दूर दूर लगाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएंगे आप? हाँ जरूर बताऊंगा भैया, मैं ये एक एक पौधे लगाए हैं लाइन से लगाए हैं, इसकी विधि आपको मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। हम एक एक पौधे इसलिए लगाए हैं, अच्छा, लाइन से इसलिए, श्री विधि से इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका इसमें बराबर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता है, हवा अच्छे से हवा मिलती है, पानी भी बराबर अच्छे से पानी मिलता है इसको। अच्छा। और जैसे एक पौधे लगाया, अभी 10 दिन पहले हमने इसको 2 पत्ते में लगाया था, आज इसके 4-5 पत्ते निकल गए, और इसमें जो जितने जगह बनाया आसपास, अच्छा, इसके जड़े आसपास से फैलेंगे, काफी टीकाएं निकलेंगे। अच्छा। और जो अपन 2 पौधे लगाते हैं तो 2 पौधे का जो उपज है वो उतना अच्छा नहीं है जितना 1 पौधे का है। अच्छा। पिछले साल हमने कहीं 2 पौधे लगाए थे, कहीं 1 पौधे लगाए थे, तो हमें 2 पौधे का फसल तो इतना अच्छे से नहीं मिला था, मगर 1 पौधे का फसल अच्छे से मिला था, उसकी उपज बहुत अच्छी थी। तो भैया, आप अब इस रोपे में इसके बाद क्या करने वाले हैं? अब इसके बाद भी वो ये कि अब देखने आया था, और इसमें अब मैं खाद डालूंगा, अब तो मौसम भी ऐसा है कि पानी अभी गिरा नहीं है, पानी गिर जाएगा, मैं थोड़ा सा देखने आया हूँ कि उस हिसाब से खाद बोने के हिसाब से है कि नहीं है, खरपतवार वगैरह। हाँ, खरपतवार निकाल के इसमें खाद बोने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भैया, वो देखने आया है। तो भैया, 10 दिन पहले जो आपने यहाँ पे रोपा लगाया था श्री विधि से, 10 दिन पहले के मैं और अब मैं, आप अंतर क्या देख रहे हैं? मतलब जो पौधों में जो बदलाव है या फिर जो भी विधि हुई है उसके हिसाब से आप क्या बदलाव देख रहे हैं अभी? तो भैया, मैं जो श्री विधि से जो रोपा लगवाया था उस समय बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था ऐसा कि यार ज्यादा पानी गिर जाए तो कहीं खेत भर ना जाए, बह ना जाए ऐसा, पर जो नाली जो आसपास मेह के किनारे, हाँ, जो नाली नाली के माध्यम से पानी बहता गया। अच्छा। और खेत में कोई फसल में कोई नुकसान नहीं हुई। अच्छा। है ना, और जब इस दिन 10 दिन पहले जब लगी थी तो पौधे बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार पानी भर जाएगा तो ये पूरा सड़ जाएगा, गल जाएगा। अच्छा। ऐसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भैया, नाली के माध्यम से पूरा पानी निकल गया और फसल मेरे झुक चुके हैं, और अब मुझे देखने में ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं कि पिछले साल जो मेरा फसल उपज हुई थी उससे इस साल 2 गुना 3 गुना ऐसा होने का अंदाजा कर सकता हूँ मैं, और मुझे यही अंदाजा हो रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मेरा फसल कुछ ज्यादा होगा, 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगा। जी हाँ। श्याम भैया, आप जो श्री विधि से रोपाई कर रहे हैं, हाँ, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली और आप ये श्री विधि से रोपाई कब से कर रहे हैं? जो भैया, हम जो आज से 3 साल पहले जो खेती कर रहे थे तो परंपरागत के हिसाब से कर रहे थे। अच्छा। जैसे पूर्वज लोग करते थे उसी हिसाब से करते थे, पर आज से 3 साल पहले हमें प्रधान संस्था के माध्यम से ये जानकारी हुई कि खेती इस तरह से करनी चाहिए, श्री विधि से लगाना चाहिए, ऐसा करके लगाना चाहिए, इतनी दूरी में लगाना चाहिए, हमें ये जानकारी प्रधान संस्था से मिली थी। अच्छा। और जब से प्रधान संस्था से हमें जानकारी मिली तब से हम ऐसा खेती करना शुरू किया, इससे पहले जो हमें 3 साल पहले से जो उपज मिलती थी, अच्छा, इतना अच्छा से उपज नहीं मिलती थी, और 3 साल बाद से अभी जो कर रहे हैं इसमें बहुत अच्छा उपज है, 3 गुना 4 गुना अच्छा उपज है, इसलिए हम इसी विधि से खेती कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो श्याम भैया, आपने जो श्री विधि से रोपाई की है, हाँ, उसके संबंध में हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मुझे बताएंगे थोड़ा? जरूर बताऊंगा भाई। हाँ तो भैया, जो श्री विधि से खेती जो करना चाहे ये सभी किसान भाई लोग कर रहे हैं, यही मेरी आशा है, और जिस तरह से मैं खेती करता हूँ उसी तरह से सभी किसान भाई करेंगे। और जैसे अपन हम देखते हैं कि एक पौधे लगाते तो 1 एकड़ में 1 किलो बीज भी पर्याप्त हो जाते, जैसे एक पौधे लग गया, इतनी दूरी में लग गई, पानी अच्छे से मिलती है, बराबर मिलती है, और खेत के साइड साइड में नाली कटिंग बनी रहती है, उसी के माध्यम से जो नाली में पानी भरी रहती है उसी के माध्यम से पूरे पेड़ों में सिंचित होती रहती है पौधे की। तो यही मेरा कहना है किसान भाइयों से कि जिस तरह से खेती मैं कर रहा हूँ उसी तरह से सभी किसान भाई लोग करें, श्री विधि द्वारा सभी किसान भाई लोग करें, तो मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा।
तो श्याम भैया, आपने जो श्री विधि के बारे में मुझे जो 10 दिन का रोपा लगाया उसके बारे में जो जानकारी थी वो बहुत अच्छी दी आपने, और फिर ये मैं अच्छे समझ गया हूँ जिस प्रकार से आपने एक एक पौधे के बारे में जानकारी दी और ये नालियों के बारे में आपने जानकारी दी और किस प्रकार से इनमें रोपा लगाया जाता है, दूरी क्यों बना के रखी जाती है और उनमें सूर्य का प्रकाश, हवा, किस प्रकार से सारी चीजें इनको पोषक तत्व मिलते हैं, उसके बारे में जो आपने जानकारी दी वो मुझे पूरी तरह समझ में आ गया। तो भैया मैं भी यही चाहूंगा कि सारे किसान भाई लोग अपन इसी विधि का उपयोग करें ताकि वो भी लाभ कमाएं, आप भी लाभ कमाएं, सभी लाभ कमाएं, है ना। तो भैया श्याम भैया धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। जय राम जी। जय राम जी को भैया। जय राम जी के। फिर मुलाकात होगी श्याम भैया। हाँ भैया। We'll be right back.